अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम भाई बहनों को मेरा डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा और राहुल तिवारी का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आपको पता है कि बजट किसी भी सरकार का आईना होता है, जो सरकारें स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल अपनी आवाम को दिखाती हैं। तो इस बार हरियाणा का बजट कल पेश हुआ, हरियाणा पंजाब दोनों का बजट कल पेश हुआ और आज हम करेंगे हरियाणा बजट के ऊपर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कि हरियाणा बजट में क्या हुआ। सबसे पहले हम बात यहां पर करेंगे कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार एक बजट मुख्यमंत्री हरियाणा ने पेश किया और ये श्रेय मुख्यमंत्री हरियाणा माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को जाता है कि उन्होंने प्रथम बार हरियाणा विधानसभा के अंदर बजट पेश किया और ये बजट उन्होंने प्रदेश को 1.42 लाख करोड़ रुपये का बजट दिया, पेश किया। और मुख्य फोकस बजट के अंदर कौन से डिपार्टमेंट फोकस हुए, जिनको मेन अहम मुद्दा कहा जाता है कि कौन से विभागों के प्रति सरकार की बहुत संवेदनशीलता है, वो उसमें देखा जाए तो हरियाणा से हम सबको पता कि स्पोर्ट्स के लिए बहुत फेमस है वर्ल्ड के अंदर, सरकार ने स्पोर्ट्स को इसमें मुख्य ध्यान रखा और शिक्षा का रखा, एजुकेशन का रखा और स्वास्थ्य का रखा और कृषि किसानों के प्रति भी बजट, किसानों को बहुत आस होती है बजट के प्रति और सरकार ने इस बजट के अंदर एग्रीकल्चर में भी लोगों की एक आस बंधा कर रखी, बहुत कुछ दिया किसानों को इस बजट के अंदर। और हम बात करेंगे, अब हम करेंगे इस बजट को हम तीन चरणों में डिवाइड करते हैं, एक करते हैं अवलोकन, दूसरा क्या प्रतिक्रियाएँ हैं, तीसरी प्रतिक्रियाएं जो आवाम लोगों की हैं, हम तीनों चरणों में आपको हम बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इस बजट की अवलोकन के ऊपर। अब पिछले दिनों से हम देखा जाएगा हरियाणा के अंदर कमाई कम हुई है और खर्चे बढ़े हैं, कर्ज बढ़ा है, ये बहुत चिंता का विषय है। जो पिछली बार जो कर्ज बजट के अंदर दिखाया गया था वो था 17,06,832 और इस वक्त जो कर्ज है इस बजट में दिखाया गया वो है 1,98,700 करोड़ रुपया, यानी कर्ज का इजाफा इस साल हरियाणा के अंदर हुआ है। और ये सबसे यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि सरकार को ये देखना पड़ेगा कि इस कर्ज की भरपाई वो किस तरह से करेगी। अगर हम अवलोकन करें कि कुल बजट का 32% हिस्सा लोन के ऊपर चला जाएगा, बजट का 29% हिस्सा उधार व कर्ज चुकाने में चला जाएगा और 24% हिस्सा सैलरी, जो मुलाजमों की सैलरी होती है, उसके अंदर चला जाएगा। यानी अब देखा जाए, अब हम सभी चीज़ों का अवलोकन करते हैं कि ये सब ऐसा क्यों हुआ और इसका कारण है कि जब हमारे पास रेवेन्यू का घाटा बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली प्रदेश सरकार को कर्ज लेना पड़ जाता है डेवलपमेंट के लिए। और पिछले समय से लेकर आज तक रेवेन्यू का घाटा हरियाणा के अंदर बढ़ा है। और जो जीडीपी की बात करें, जीडीपी किसी भी प्रदेश की, देश की रीढ़ की हड्डी होती है, जो इस बजट के अंदर जीडीपी को 7.7% रखने की ये उम्मीद जताई है बजट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने। लेकिन यहाँ पर एक बात देखने को मिलेगी कि हरियाणा की जीडीपी लगातार कम हो रही है, 3-4 साल पहले ये जीडीपी 10% थी, लेकिन ये अब जीडीपी मौजूदा स्थिति के अंदर 7.7% इनको उम्मीद है कि ये विभाग ये रख सकें। अब आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले कि मुख्यमंत्री ने अपने एमएलओ से सुझाव मांगे थे कि हम किस तरीके से उनके क्या कौन कौन से सुझाव हैं जिसको हम बजट के अंदर इंक्लूड कर सकें और इनको एमएलओ की जो मिनिस्टर्स की जो सुझाव थे वो भी बजट के अंदर कुछ हद तक मुख्यमंत्री ने इम्प्लीमेंट कर ये जताया है कि सरकार एमएलओ की और मिनिस्टरों की भूमिका को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अब हम बात करेंगे जीडीपी 7.7% हरियाणा की जो रहने की उम्मीद है और हरियाणा का योगदान जो सेंटर की जीडीपी पर है वो रहेगा 4.07%। और ये यहाँ पर देखने की बात है कि सेंटर की जीडीपी वो पहले कम हो रही थी, लेकिन ये अभी कल ही प्रेस नोट जारी हुआ है कि जिसमें ये कहा है कि सेंटर की जीडीपी इंक्रीज हुई है। जैसे जैसे जीडीपी कम होती है तो उसके हिसाब से चिंता का विषय होता है कि रोजगार लोगों को कैसे दिया देगी सरकार, बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं खर्चों को लेकर। लेकिन ये हरियाणा सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि जीडीपी को 7.7% को बरकरार रखना। अब बात करेंगे इस बजट के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें हम देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि बजट जब कोई गवर्नमेंट पेश करती है तो नेचुरली है कि कोई भी मिनिस्टर्स, कोई भी एमएलए रूलिंग पार्टी का उस बजट के फेवर के बारे में बात करता है, विपक्ष उसको अपोजिशन तरीके से देखती है, क्योंकि विपक्ष का होना ही बहुत बड़ी
जरूरी होता है लोकतंत्र के अंदर, क्योंकि विपक्ष भी एक आईना दिखाती है सरकार को और उसके बाद होती है जनता आवाम। अब हम बात करेंगे इस बजट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको सरकार ने एक फोकस रखा। इसमें कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं, जो हरियाणा में आए, उनको पेंशन दी जाएगी और हर विधानसभा के अंदर, ये पहली बार हुआ है, बहुत अच्छी बात है। डेवलपमेंट के लिए सरकार किस तरह से अपने विकास की जो उनका नारा था कैसे इम्प्लीमेंट कर रही है कि 80 करोड़ रुपया हर विधानसभा क्षेत्र को जाएगा। और ये भी इस बजट के अंदर दिखाया गया कि हर विधानसभा क्षेत्र को 80 करोड़ रुपया विकास कार्य के लिए हरियाणा में दिया जाएगा। यानी सरकार विकास के प्रति पूर्ण रूप से वचनबद्ध है, सरकार ने ये बजट के अंदर दिखा दिया। और इसके अलावा किसानों को बगैर ब्याज के प्रति एकड़ 4 लाख रुपया कर्ज दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बातें हैं जो इस बजट के अंदर बताई गई हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री हरियाणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो घोषणाएं की हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। और इस बार हरियाणा के बजट के अंदर मुख्यमंत्री हरियाणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने आंकड़े जो प्रस्तुत किए मीडिया के आगे ताकि आवाम तक पहुँच सके, उन्होंने बताया कि एजुकेशन के अंदर उन्होंने इस बार 31.7% बजट का इजाफा किया है पिछले साल के मुकाबले, और हेल्थ के अंदर 23.17% इजाफा हुआ है, एग्रीकल्चर के अंदर 36.7% इजाफा हुआ है। यानी कहने का मतलब कि हरियाणा सरकार कृषि को और किसानों को के प्रति कितनी संवेदनशील है इस बजट के अंदर आपने देख ही लिया होगा। जो आंकड़ों के हिसाब से पिछले साल के बजट एग्रीकल्चर और इस साल के बजट में जो 36.7% इजाफा हुआ इसको देखते हुए, अब जब बात चली कि जो घाटा अब सरकार के लिए, ये तो बहुत बड़ी बात, और भी घोषणाएं बहुत हुई हैं इसके बजट के अंदर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कि जो घाटा है उसको सरकार कैसे पूरा करेगी। जब ये बात आई तो उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है कि कोई भी गवर्नमेंट टैक्स लगाए लोगों के ऊपर, लेकिन इस सरकार ने कोई भी टैक्स इस बजट पर नहीं लगाया। और उसके बाद कैपिटल कम करके यानी पूंजी कम करके अपने कार्य करें, सरकार ने अपने पूंजी को भी कम नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर पूंजी कम होगी तो डेवलपमेंट कैसी होगी। यहाँ पर भी सरकार ने बिल्कुल छेड़खानी नहीं की। और तीसरी बात होती है उधार लेकर यानी डेवलपमेंट करना। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी कि अपने हरियाणा सरकार ने ये तीसरा जो ऑप्शन है, उन्होंने कहा कि हम सेंटर से जो 25% जो लिमिट होती है लोन की वो लेकर हम अपनी डेवलपमेंट करेंगे। यानी ऑन द होल ये है कि इस साल का जो बजट है हरियाणा का, जो भी डेवलपमेंट होगी वो भी उधार के पैसे से होगी। अब हम देखेंगे इस सरकार के, जैसे हमारे लीडर्स ने, मिनिस्टर्स ने इस बजट के बारे में बोला, वो भी आपने देखा होगा। ऑपोजिशन ने जिस तरह अपनी प्रतिक्रियाएं दी वो भी आप सबने देखा होगा। लेकिन आम इंसान, हरियाणा का आम इंसान इस बजट को किस दृष्टि से देखता है, इकोनॉमिस्ट किस दृष्टि देखते हैं, इंडस्ट्रीज किस दृष्टि देखते हैं, वो भी हम आने वाले दिनों में अपने दर्शकों को बताएंगे। और ये मेरी स्वास्तिक शर्मा और मेरे साथ राहुल तिवारी की हरियाणा के बजट पर स्पेशल रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।